लगे आरोप। लहरपुर के ग्राम सभा खानपुर सादात में प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी की मिली भगत से नहीं मिल रहा लाभार्थियों को आवास। सीतापुर के ग्राम प्रधान व पंचायत सेक्रेटरी द्वारा प्रधानमंत्री आवासों में बड़ा गोलमाल आया सामने। ग्रामवासियों का आरोप है कि प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास उन्हीं को दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने चुनाव के समय प्रधान की मदद की थी। आरोप ये भी है कि ग्राम प्रधान जलीस अंसारी ने ग्राम सभा में कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं जो कि अपात्र हैं। एक परिवार तो ऐसा भी है जिनके परिवार को लोग सरकारी कर्मचारी हैं। आरोप ये भी है कि ग्रामवासी जब अपनी कोई बात प्रधान से कहने जाते हैं तो वह उनको गंदी गंदी गालियां भी देता है। प्रधान का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आवास चाहिए तो 30,000 रुपए हमको दो तो आपको आवास दिलाया जाए। अब सवाल ये है कि इन गरीबों के पास इतना पैसा कहां से आए जो कि प्रधान को दे सके, या इन गरीबों की फरियाद कौन सुने? आखिरकार जाए तो कहां जाए, कैसे होगा प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा अगर ऐसे ही प्रधान का अत्याचार होता रहा गरीबों पर? उस ग्राम सभा में शबनम का कहना है कि हमको प्रधानमंत्री आवास तो दिया लेकिन ना तो पूरा आवास बन पाया और ना ही शौचालय बनकर तैयार हुआ। 1,00,000 रुपया प्रधान ने हमको दिलाए थे जिसमें 20,000 रुपये उन्होंने खुद ले लिए। जितना भी काम हुआ है हम लोगों के पास जितने भी पैसे थे वे तो सब लगा दिया और कुछ रुपये उधार लेने पड़े जिससे हम लोगों पर कर्जा भी हो गया है। आपका है? हाँ। ये प्रधानमंत्री आवास आप ही का तो आया है? हाँ हाँ। ये आपके अकाउंट में पैसा आया था इसका? हाँ। कितना आया था? 1,20,000। अच्छा, तो सारा पैसा लगा दिया इसमें? सारा भैया लग गया और कर्जा हुआ। कर्जा हो गए? हाँ कर्जा हो गए। 20,000 प्रधान ले लिया। प्रधान ने किस बात के लिए? अब हम ये क्या बताएं, जो कहें तो हम दे दिया भाई। और क्या करें? 20,000 रुपए प्रधान को दिए। क्या नाम है प्रधान का? जलीस नाम है। आपका क्या नाम है? शबनम। तो कौन सा गांव है ये? खानपुरा सादात। अच्छा, आपके इस आवास में शौचालय बना है? अभी बना नहीं, बाकी है। अच्छा, आप पर कर्जा भी हो गया और शौचालय भी अभी नहीं बना है। तो प्रधान ने कितने लिए पैसे? 20,000। क्या मामला है आपको, आवास मिला है? आवास नहीं मिली है बाबू जी। जो प्रधान की जांच कार्य होता है तो प्रधान ही आवे नहीं देते दिखावे। तो सारी बात 30,000 रुपया मांगते ही कहते दो पहले तब आवास दे। किसने 30,000 रुपए मांगे हैं? प्रधान जलीस मांग रहे हैं। प्रधान जलीस मांग रहे हैं। जेवर बेच बाबू जी दी, गरीब आदमी झपड़िया करी कहाँ से ने दी। 10 साल हमारा दमाद कोई गई राहत राहत वादे की झपड़िया जा दी हमारी सकती है। इसके लिए शिकायत थी कहीं इसके इनके अलावा? प्रधान के अलावा? प्रधान के अलावा कहीं और शिकायत की है इसके अलावा? कहीं नहीं किया है। कहूँ ना कि जब हमारे कोई जांच होते है तो बाबू जी हाथ पकड़ क्योंकि वापस कर लेते तो पीसे कहीं। पैसे कौन मांग रहे हैं? जलीस मांगा थे 30,000 रुपया ला तो आवास दी। जलीस कौन है? जलीस नहीं, ये प्रधान। प्रधान कौन सा गांव है? खानपुरा सादात। आपका क्या नाम है? हमारा राधा। राधा नाम? हाँ। हेलो, क्या मामला है बताइए आपका आवास? सर ये मकान हमारा पक्का दिखा दिया गया है इसलिए प्रधान वहाँ पास नाम भी आया लिस्ट में लिखा हुआ है कि आवास राजू का आ चुका है। प्रधान ने जांच हुई तो प्रधान ने बोला कि ये मकान राजू का पक्का है। सर आपकी नजरों के सामने है, जैसा हुआ देख लीजिए। कौन प्रधान है यहाँ? जलीस अंसारी। कौन सा गांव? खानपुर सादात। इसकी शिकायत की किसी से? अरे सर शिकायत ना की होती तो आप लोग आते नहीं। मैं सर आप ही का है? हाँ। आपको आवास नहीं मिला है? नहीं। प्रधान से इस बारे में बात की? हम कुछ नहीं। प्रधान से कोई बात ही नहीं की? हाँ, पहले झगड़ा हमसे है तो। काहे का झगड़ा? वो बच्चा छोटा रहे तो वो सड़क पर रोड पर पांजर टट्टी फिर रहा तो उसको मारी। किसने मारा? प्रधान ने। तो हमने कहा हम उठाए डालेंगे, मारो नहीं। तब भी मारे लगे तब हम भी रिपोर्ट किया। अच्छा, रोड पे लेटिन कर रहा था, रोड वो किसकी है? यही रोड है। अच्छा। सरकारी उसके जो बच्चा। अच्छा। आज ही काल साल भर तो आप इसी में रहती हैं? हाँ, हम यही में रहते हैं। नाम बोलिए। नाम क्या है आपका? बन्नू। किस गांव में है ये? ग्राम हाँ। प्रधान का क्या नाम है? चलीस। प्रधान किस टाइप का आदमी है? वो हम बहुत खराब है, वो जहाँ कुछ करो तब भी कहते हम पागल हैं। हाँ, जहाँ कुछ कहा तो वहाँ पैसा कौड़ी दे लेता और बताता हम पागल हैं। हाँ, ये बात है। चलो।